मुद्रा लोन योजना 2021। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी घर बैठे अपने मोबाइल से मुद्रा लोन योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं और मुद्रा लोन प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका संपूर्ण प्रोसेस हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, आपको पता है कि अगर आप स्वयं का कोई रोजगार स्थापित करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उसके लिए आपको छोटे से रकम का लोन मिल सके, जैसे 10,000, 20,000, 50,000 या 1 लाख रुपए तक का, तो उसके लिए आप अपने मोबाइल से ही घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। तो फिर इसका प्रोसेस क्या होगा, कैसे आवेदन करना है, उसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रोसेस जान लेते हैं। सब्सक्राइब करिए हिंदी वर्ल्ड चैनल को और दबाइए इस घंटी को हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, आवेदन करने के लिए आना है आपको अपने मोबाइल में। हम यहाँ पे मोबाइल में आ गए हैं। अब आपको अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउजर को खोल लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है SBI मुद्रा लोन। चलिए हम आपको लिख के बताते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है SBI ई मुद्रा लोन और सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो आप देख पाएंगे आपके सामने पहली वेबसाइट खुल जाएगी। आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। सो फ्रेंड्स, अब आप देख पाएंगे आपके सामने इस प्रकार से पेज आ जाएगा। अब फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, यहाँ पे आवेदन करने के लिए आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए जिसके ऊपर मोबाइल नंबर लिंक हो। उसके बाद आपका एक खाता होना चाहिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। उसके बाद आपकी कोई दुकान होनी चाहिए या छोटा मोटा आपका कोई रोजगार या व्यवसाय होना चाहिए जिसके जरिए आप यहाँ से लोन ले सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे नहीं होगी तो आपको लोन नहीं मिलेगा, और अगर आप इसके लिए एलिजिबल होंगे तो आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा कि आप इसको लोन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और उसे वेरीफाई करना है। मोबाइल नंबर वेरीफाई होने के बाद देखिए, अब यहाँ पे बता रहा है आर यू रेडी टू शेयर योर आधार डिटेल्स, यानी कि आप अपनी आधार की जानकारी क्या शेयर करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पे यस करना होगा। उसके बाद देखिए, आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर देना है और जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स, जो आधार नंबर से आपका मोबाइल लिंक होगा उस पर एक ओटीपी आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे उसका सत्यापन कराना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स, ये इस प्रकार से आपका आधार नंबर वेरीफाई हो जाएगा। अब आपको नीचे आना है और यहाँ पे अपना SBI सेविंग अकाउंट डालना है। जो भी आपका खाता सेविंग अकाउंट स्टेट बैंक में खुला हो या करंट अकाउंट यहाँ पे खुला हो, चलिए मैं यहाँ पे डालता हूँ। उसके बाद आपको नीचे बताना है कि आपको कितने लोन की रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे आपको वो राशि डालनी होगी। जैसे कि मुझे यहाँ पे 40,000 रुपये की रिक्वायर्ड है, मैं डाल देता हूँ और प्रोसीड करता हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स, हमारे सामने एक और पेज आ जाएगा जिसमें हमें कुछ और जानकारी दर्ज करनी होगी। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले जो ऊपर लिखा है वो है पैन नंबर, जहाँ पे हमें पैन नंबर डालना होता है। कई बार ये पैन नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स, नीचे होता है एकेडमिक क्वालिफिकेशन, जहाँ पे हमें अपनी पढ़ाई की जानकारी देनी होती है। कहाँ तक हमने क्वालिफिकेशन, हमारी क्वालिफिकेशन है वो जानकारी हमें भरनी होती है। और उसके बाद फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे कुछ पर्सनल जानकारी भी देनी होती है। तो फ्रेंड्स, आप क्या एक काम करिए, यहाँ पे एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन भरते जाइए अपनी पर्सनल डिटेल्स, तो आप यहाँ पे आसानी से ये जानकारी भर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे आपको मंथली इनकम भी अपनी देनी होगी। तो जो भी आपकी मंथली इनकम है वो आप बता दीजिए, आप कितना पैसा मंथली में कमाते हैं। उसके बाद फिर नीचे एक ऑप्शन आता है कि आपके ऊपर कितने जो फैमिली मेंबर हैं, जो आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो उसकी जानकारी भी आपको यहाँ पे देनी होती है। तो फ्रेंड, छोटे छोटे सवाल होते हैं जिन्हें आप आसानी से यहाँ पे भर सकते हैं। फ्रेंड, जैसे ही आप ये सारी जानकारी भर के सबमिट करते हैं तो कुछ समय बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। कभी कभी सर्वर की वजह से आपको टाइम लग सकता है, तो आपको यहाँ पे वेट करना होगा। तो फ्रेंड, जैसे कि देखिए, यहाँ पे अगला पेज आ चुका है और अब आपको यहाँ पे अपनी बिजनेस डिटेल्स डालनी होती है, यानी कि फ्रेंड्स, आप क्या बिजनेस कर रहे हैं। और अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं तो जो आप नया बिजनेस करना चाहते हैं उसकी जानकारी आपको यहाँ पे
देनी होती है। तो फ्रेंड सबसे पहले जो ऊपर आता है वो बिजनेस नेम आता है कि आप क्या बिजनेस कर रहे हैं। तो फ्रेंड जो भी मैं बिजनेस कर रहा हूँ वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, जैसे मेरी एक मोबाइल की दुकान है। तो और भी जो भी आपका बिजनेस हो वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, या आप कोई नया बिजनेस बनाना चाहते हैं तो वो बिजनेस भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो अपन जैसे आप देख सकते हैं मैं एक बिजनेस टाइप करूंगा, उसके बाद फिर नीचे और भी कोई जानकारी होगी छोटी मोटी वो आपको आसानी से भर। तो फिर आप ध्यान से पढ़ जाइएगा, फार्मेसी जारी के सामने आएगी जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। सो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ध्यान से देना है, सबसे पहले बिजनेस नेम, फिर बिजनेस स्टार्ट डेट, किस तारीख को बिजनेस आपने स्टार्ट किया था, अगर आप करंट में स्टार्ट कर रहे हैं तो वो डेट डालेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको कितना एक्सपीरियंस है वो चुनना है आपको, तो आप आसानी से यहाँ पे वो एक्सपीरियंस आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद फ्रेंड नीचे जो है आपका वो बिजनेस एड्रेस है, तो आप आसानी से यहाँ पे अपना बिजनेस का एड्रेस डाल दें। तो जो भी आपकी दुकान हो बिजनेस की वो आपको यहाँ पे भरना ही होगा। तो आसानी से आप सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट कर दें। तो जैसे कि मैं यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस चुन लेता हूँ। फ्रेंड्स अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो उसी हिसाब से आपका लोन डिसाइड होगा, क्योंकि यहाँ पे आप जो भरते हैं उसी के हिसाब से आपको लोन दिया जाता है। कुछ लोग फ्रेंड्स यहाँ पे गलत जानकारी देते हैं या इसके एलिजिबल नहीं होते हैं तो उनको लोन नहीं मिलेगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप नीचे आ जाएंगे और आपको बिजनेस टाइप देना होगा कि आप क्या बिजनेस करते हैं, तो उसके बारे में आपको जानकारी देनी होगी। उसके बाद फ्रेंड्स आपका बिजनेस कैसा है, यानी कि आपका जो बिजनेस है वो स्वयं का है या आप किराए की दुकान पे करते हैं, तो वो आपको जानकारी देनी होगी। अगर आपने किसी गवर्नमेंट संस्था में रजिस्ट्रेशन कर रखा है और आपके पास जीएसटी नंबर है या उद्योग आधार है तो उसमें आपको यस या नो करना होगा। उसके बाद आप नीचे चले आएंगे तो जहां पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा बिजनेस सेल्स अकाउंट डिटेल्स। तो फ्रेंड्स यहां पे आपको अपनी अकाउंट की इंफॉर्मेशन देनी होगी। सबसे पहले आपको बताना होगा कि आपका मंथली एवरेज सेल कितना है एक साल के अंदर। सो वो आपको जानकारी देनी है कि एक साल के अंदर आपका कितने का बिजनेस हुआ है। उसके बाद नीचे आपको बताना होगा जहां पे लिखा है एनुअल सेल क्रेडिट टू बिजनेस एसबी अकाउंट, यानी कि फ्रेंड जो आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का खाता दिया है उसमें आपका कितना पैसा गया है बिजनेस का, वो आपको यहाँ पे बताना है कि क्या आपका पूरा पैसा गया है या कुछ आधा पैसा या जितना भी आपका गया हो वो आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद फिर नीचे आता है बिजनेस अकाउंट नंबर, यानी कि फ्रेंड्स आपका जो बिजनेस अकाउंट नंबर है उसकी जानकारी आपको देनी है, सो वो आप नीचे यहाँ पे भर देंगे। तो सबसे पहले अकाउंट नंबर डालेंगे, उसके बाद अपने बैंक का नाम, उसके बाद ब्रांच का नाम, उसके बाद ब्रांच का एड्रेस, ये सारी चीजें आप यहाँ पे भर देंगे। भरने के बाद फ्रेंड्स आप एक बार चेक कर लेंगे और चेक करने के बाद आप ध्यान से देख लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन आपकी गलत तो नहीं है। अगर आपको लगता है कि कुछ यहाँ पे गलत है तो अभी आप यहाँ पे सुधार कर सकते हैं। सबमिट होने के बाद आप इसमें कोई सुधार नहीं करेंगे तो चलिए हम यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। जैसे फ्रेंड्स आप सबमिट करेंगे सो आपके सामने यहाँ पे दिखा दिया जाएगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। जैसे कि फ्रेंड मेरी स्क्रीन पे आ रहा है कि हम इसके लिए एलिजिबल नहीं है और ये हमें होम स्क्रीन पे ले जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप इसके लिए एलिजिबल होंगे तो वो आपको बता दिया जाएगा। वैसे फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं यहाँ पे 10-20% केस में ही लोग एलिजिबल होते हैं जिनका सिविल स्कोर काफी अच्छा होता है और जिनकी ट्रांजेक्शन भी अच्छी होती हैं। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं है, आपकी ट्रांजेक्शन अच्छी नहीं है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आप भी इसके लिए पात्र होंगे तो आपको भी मुद्रा लोन मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आप इसे अप्लाई करने के बारे में सीख गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और सर से हमारे सिंधी बर्ड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फ्रेंड मिलते हैं आपको वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।